स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अर्थात एंथर के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको दो प्रश्न दिए थे, दो क्वेश्चंस दिए थे। पहले उन प्रश्नों का जवाब हो जाए, फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि पराग कोष का परिवर्धन किससे होता है। तो आपने पढ़ा था कि पराग कोष का परिवर्धन जो होता है वो आर्किस्पोरियस सेल से शुरू होता है। दूसरा प्रश्न था कि लघु बीजाणुओं का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है। स्टूडेंट्स, लघु बीजाणुओं का निर्माण जो होता है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे पिछले प्रश्न के जवाब। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, आपने एंथर की संरचना पढ़ ली, लघु बीजाणु धानी की भी संरचना आपने पढ़ ली। लघु बीजाणु धानी में आपने देखा था कि इसमें चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है और उस लघु बीजाणु धानी शुरुआत में एक अपरिपक्व पराग कोष जब होता है तो अपरिपक्व पराग कोष के लघु बीजाणु धानी के केंद्र में क्या पाया जाता है, आप जानते होंगे क्या पाया जाता है, ये कॉम्पैक्ट टिश्यू पाया जाता है जो कि होमोजेनियस होता है, एक समान कोशिकाओं का ये भाग होता है, कॉम्पैक्ट होता है, होमोजेनियस होता है और इसी को क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज बोला जाता है या बीजाणु जनन ऊतक बोला जाता है। बीजाणु जनन ऊतक की जो कोशिका होती है यही बाद में बीजाणु मातृ कोशिका की तरह से व्यवहार करती है, यानी हर कोशिका, एक कोशिका नहीं, बीजाणु जनन ऊतक की हर कोशिका बाद में बीजाणु मातृ कोशिका की तरह से व्यवहार करती है और बीजाणु मातृ कोशिका, हर बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के चार लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। अर्थात हर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन में आप जानते हैं कि चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये चारों लघु बीजाणु जैसे ही बनते हैं कोहेशन और फ्यूजन से बचने के लिए, कोहेशन मींस मतलब ये एक दूसरे से चिपके ना, और फ्यूजन का मतलब आपस में फ्यूज ना करके आपस में दूसरे से मिले ना, कोहेशन और फ्यूजन से बचने के लिए चारों लघु बीजाणु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चारों लघु बीजाणु कैलोज द्वारा जुड़ करके समूह बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं। किससे? कैलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है और इस पॉलीसेकेराइड से जुड़ करके ये जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं ये क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं और इस क्लस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने चतुष्टय शब्द का प्रयोग किया है, बड़ा ही एक अच्छा शब्द। आपको पता है कि कमेंट में भी कई बच्चों ने पूछा है कि सर नीट की तैयारी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी की जो बुक है वो बेस्ट बुक है, उसकी एक एक लाइन है, एक एक शब्द अथाह है, आप उनको पढ़ लीजिए, उनको अपने दिमाग में रख लीजिए। मैं समझता हूं कि आपका लगभग सारा काम हो चुका है, इसलिए एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट बुक है।
एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसके लिए, एनसीईआरटी ने चतुष्टय शब्द का इस्तेमाल किया है, उसी को चतुष्क भी बोलते हैं और उसे टेट्राड भी बोलते हैं, अर्थात वो चार चार के समूह में, चार चार के क्लस्टर में रहते हैं, इस नाते उन्हें हम टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड। जब एंथर परिपक्व होता है, एंथर जब पकता है, मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने से उसमें डेसिकेशन होता है, उसका डिहाइड्रेशन होता है। तो मैच्योर जब होता है तो परिपक्व होने और डिहाइड्रेशन होने से शीघ्र ही, जल्दी ही टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम सिक्रीट किया जाता है, टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम सिक्रीट किया जाता है और उस एंजाइम का नाम है कैलेज। और ये कैलेज एंजाइम जो कैलोज परत है, उस कैलोज परत को क्या कर देता है, डिजॉल्व कर देता है, घोल देता है, जिससे चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार पराग कण का निर्माण होता है। यानी अब इसको हम पराग कण कहते हैं, पहले इसे हम क्या कह रहे थे, लघु बीजाणु कह रहे थे। कब, जब वो क्लस्टर के रूप में थे, जब वो टेट्राड के रूप में थे, जब वो कैलोज के द्वारा जुड़े हुए थे, लेकिन लेकिन जल्दी ही टेपिटम के द्वारा, टेपिटम की जो परत है, ये देखिए आप यहां देख रहे होंगे इस चित्र में, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये आप एक लघु बीजाणुधानी की, लघु बीजाणुधानी की संरचना है जो यंग स्टेज में थी। अब इसका सेलुलर हमने बनाया है, सेलुलर, जब सेलुलर होता है तो सेलुलर में आप पहले पढ़ चुके हो कि सबसे बाहर बाह्य त्वचा पाई जाती है, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है, एपिडर्मिस के तुरंत अंदर की जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसको एंडोथीसियम बोलते हैं या अंतस्थीसियम बोलते हैं, और एंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर्स की परतें पाई जाती हैं। मिडिल लेयर्स की परतों के बाद की जो परत होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, उसका नाम है टेपेटम। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि टेपेटम की जो सेल्स होती हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, अर्थात न्यूक्लियस स्पष्ट होता है, और इस साइटोप्लाज्म का जो होता है वो डेंस होता है। अब ये डेंस साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है, और इसी न्यूट्रिएंट्स के कारण ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं, उन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से ये टेपिटम की लेयर, और टेपिटम की लेयर के बाद आप क्या देख रहे हैं, यही जो कॉम्पैक्ट टिश्यूज थे, यही जो होमोजीनियस टिश्यूज थे, ये वो वाली परत है, और वही परत जो है बाद में क्या बन गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। जो पहले होमोजीनियस सेल्स थी, इसको स्पोरोजिनस टिश्यूज कहा गया था, स्पोरोजिनस टिश्यूज की हर सेल बाद में क्या बन गई, देख रहे हैं यहां पर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन गई। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की हर माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कहते हैं, उनका अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है, चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही ये चार लघु बीजाणु बनते हैं, तुरंत ही ये कैलोज परत के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके क्लस्टर बनाते हैं, टेट्राड बनाते हैं, चतुष्टय बनाते हैं, या चतुष्क का निर्माण करते हैं। अब जब ये चतुष्क बन जाते हैं, तो इसके बाद जब एंथर परिपक्व होने लग जाता है, एंथर मैच्योर होने लग जाता है, तो उस दशा में उसकी जो दीवार होती है, उस दीवार से मॉइस्चर का, वाटर का डेसिकेशन होने लग जाता है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। जब डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, तो आप यहां देख पा रहे होंगे, ये तो इसकी दीवार है, तो यहां से क्या होता है, यहां से ये इसकी दीवार है। अब यहां से इसका ये दीवार रक्षक कर जाती है, टूट जाती है, और इस दीवार के टूटने से न्यूमरस पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे पराग कण बाहर आते हैं। अब बहुत सारे क्यों होते हैं, बहुत सारे इसलिए होते हैं कि अब चार पांच या दस से तो कम जंगल नहीं है, बहुत सारे होंगे तो ए बैटरी फैक्टर के द्वारा मान लीजिए उड़ाए जा रहे हैं, विंड के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं, तो विंड हमेशा प्रतिकूल नहीं होगी, डायरेक्शन उनका अनुकूल हमेशा नहीं रहेगा, कहीं फिर कोई दिशा चल रही है, कभी कोई दिशा चल रही है, या टेम्परेचर हाई हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इस नाते बहुत सारे लघु बीजाणु बनते हैं। कैसे,
आप देख पा रहे हैं हमने, जब ये फटती है तो फटने के दौरान ये जो इनर सेल्स हैं ये भी खत्म हो जाती हैं, ये भी जो मिडिल लेयर्स हैं ये मिडिल लेयर भी खत्म हो जाती है और पूरा का पूरा ये कालम, पूरा का पूरा कालम जो होता है हजारों लग बीजाणु है, हजारों लग बीजाणुओं से है, अर्थात परागकणों से, हजारों परागकणों से उभर जाता है। और जब एंथर फटता है तो फिर वो सारे के सारे परागकण जो है वो बाहर रिलीज होते हैं और फिर वो डिफरेंट मींस के द्वारा वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं और इस प्रकार से आगे की ये क्रिया पूरी होती है। तो स्टूडेंट्स आप यहां देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था, चतुष्क के चारों ओर लग बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं और इस प्रकार लघु बीजाणु धानी का पूरा कालम ऊपर से नीचे हजारों परागकणों से भर जाता है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि सारे के सारे परागकण हमेशा अलग अलग ही रहते हैं, कई बार कई पादपों में कई फैमिली में ऐसा देखा गया है कुछ एनामलस बिहेवियर्स भी पाए जाते हैं, कुछ एनामलस फीचर्स भी पाए जाते हैं, कुछ असामान्यताएं भी पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो असामान्यताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए चार चार का टेट्राड बना, तो चार चार का न बन करके उसमें कोई और भी आ जाए बीजाणु, और भी पॉलन ग्रेन्स आ जाए, तो चार से ज्यादा हो गए तो पॉलीस्पोरिक कंडीशन भी हो सकती है, या आप देख रहे हो कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर के, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर के चार लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चार लघु बीजाणुओं का निर्माण न होकर के केवल एक लघु बीजाणु का निर्माण होता है और बाकी तीन जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसको मिटाते हैं और मिटा करके फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है कुछ अद्भुत व्यवहार हो रहे हैं या एनामलस फीचर्स क्या क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैंने क्या को समझाया, मैंने यही समझाया है कि जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो चतुष्टय के रूप में या टेट्राड के रूप में स्थित होते हैं, अर्थात वो क्लस्टर बनाते हैं और बाद में वही जब उनकी चार परत होती है डिजॉल्व हो जाती है, कैलोज परत डिजॉल्व हो जाती है कैलेज एंजाइम के द्वारा, तो फिर वो माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और परागकण कहलाते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि चतुष्क के परागकण चतुष्क से अलग ही नहीं होते, अर्थात वो चतुष्क के रूप में ही रह जाते हैं और जब चतुष्क के रूप में रह जाते हैं तो उनको एक स्पेशल नाम दिया गया, संयुक्त परागकण या कंपाउंड पॉलन ग्रेन। एक पहला फीचर था कि यहां पर परागकण अलग ही नहीं हो पा रहे और उन्हें हम कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। आगे कौन सी घटना घट रही, आगे कुछ और भी देखने को मिल रहा है आपको कि संयुक्त परागकण आपस में चिपक कर छोटी छोटी इकाइयों का निर्माण करते हैं। संयुक्त परागकण जो ये बने हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि संयुक्त परागकण आपस में चिपक कर छोटी छोटी इकाइयों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम मैसुरी कहते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं, नियोशिया में माइगोसा में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर आपको और देखने को मिलेगा आर्किडेसी कुल में और स्क्लेपियोडेसी कुल में। आर्किडेसी कुल जो आर्किड प्लांट जानते होंगे और स्क्लेपियोडेसी में आप कैलोट्रॉपिस जानते होंगे, तो इसमें क्या होता है आर्किडेसी कुल और एस्क्लेपियोडेसी कुल में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो सब के सब परागकण उस पराग कोष में थैले जैसी आकृति देखी, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिला देखे आप, ये देखिए ये क्या बन रहा है, पोलेनियम बन रहा है। सारे के सारे परागकण एक थैले जैसी आकृति में आ गए और थैले जैसी आकृति में मिलकर के ये क्या बना रहे हैं, पॉलिनियम जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और किसी पाया जाता है ये आर्किडेसी कुल में और स्क्लेपियोडेसी कुल में, अर्थात आर्किड में और कैलोट्रॉपिस जिसको आप मदार बोलते हो, मदार देखे होंगे आप, तो मदार में और आर्किड में ये चीजें आपको देख रहे हो। हालांकि यही दोनों नहीं, इस कुल में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उन सब में ये पॉलिनियम पाया जाता है, अधिकांश में पॉलिनियम पाया जाता है। अगला जो उदाहरण है, अगली जो कुछ एनोमलस बिहेवियर है वो है कस्कुटा रिफ्लेक्सा में बहुबीजाणुता। अब लीजिए अभी तक तो चार चार के टेट्राड पाए जाते थे, चार चार के समूह पाए जाते थे, लेकिन यहां क्या हो रही है, चार से ज्यादा उस टेट्राड में चार से ज्यादा लघु बीजाणु पाए जा रहे हैं, या ये कह लीजिए कि चार से ज्यादा पॉलन ग्रेन पाए जा रहे हैं चतुष्क में
चार से अधिक परागकण पाए जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बहुबीजांडता या पॉलीस्पोरी, बहुबीजांडता या पॉलीस्पोरी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बहुबीजांडता या पॉलीस्पोरी कहां पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कस्कुटा रिफ्लेक्सा में ये चीजें पाई जाती हैं, साथ ही साथ साइप्रेसी कुल में, खास करके साइप्रस में, साइप्रेसी कुल में एक बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही क्रियाशील लघु बीजाणु बनता है। आपने क्या पढ़ा कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक एक बीजाणु मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणु बनते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, चारों लघु बीजाणु जो हैं वो फंक्शनल नहीं है, केवल और केवल एक लघु बीजाणु जो होता है वो फंक्शनल होता है और शेष तीन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही क्रियाशील बीजाणु रह जाता है। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये निम्न प्रकार की असमानताएं या ये कह लीजिए कि स्पेशल फीचर्स, इसको हम स्पेशल फीचर्स भी कह सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके वे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों एक्सेप्शन मेक सिलेक्शन, एक्सेप्शन मेक सिलेक्शन, तो सिलेक्शन चाहते हैं, तो इन सब चीजों को जानना होगा, याद रखना होगा, समझना होगा। तो अब इसकी बारी जो है, यहां पर हम सब समझ लिए, जान लिए कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है और लघु बीजाणु जनन के बाद कुछ असामान्य घटनाएं क्या होती हैं, और उसमें भी आपने ये पढ़ लिया कि चतुष के परागकण चतुष से अलग ही नहीं होते हैं, चतुष के रूप ही रह जाते हैं, इन्हें संयुक्त परागकण कहते हैं। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त परागकण किसे कहते हैं, कहां पाया जाता है, ड्रासेरा में, टाइफा में, इलोडिया में, ड्रिमिस में आदि में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसका आप जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला प्रश्न यह है कि कैलेज एंजाइम कहां से स्रावित होता है। प्रश्न से नोट करिए, कैलेज एंजाइम कहां से स्रावित होता है, साथ ही पॉलिनियम किस पौधे में पाया जाता है। ये दो प्रश्न हैं, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।